एक खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगा रखा है छोरी ने, कोई छोटा मामला को ना जितनी स्पीड दिखाई दिखा देना जेल में उतनी 10% भी स्पीड दिखा दे, बचना नहीं चाहिए भाई। कि नहीं भी छोरिया ने भी छेड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा, बता दिए या सरकार भी सुन लियो। नया नारा लो, इनके मंत्रियों से बेटी बचाओ, ये नारा होना चाहिए। राम राम सीएम साहब। खट्टर साहब, सुना है इब्बे खबर आई है आपके एक मंत्री ने, खेल मंत्री ने खिलाड़ी कोच के साथ एक महिला के साथ छेड़खानी करी है, और उसने एक और गंभीर आरोप लाया है कि और भी बहुत सी महिला खिलाड़ियों के साथ, कोचों के साथ कई तरह की गड़बड़े हुई हैं। बहुत मामला गंभीर है। यो ये है बेटी बचाओ, हैं? यो ये है बेटी पटाओ। नया नारा लो, इनके मंत्रियों से बेटी बचाओ, ये नारा होना चाहिए। और अगर जय उस छोरी ने झूठ बोल रखा उस छोरी पर कार्रवाई करो, और जब उसने सच बोल रखा आता है इस खेल मंत्री को तुरंत हटाओ और जेल में भेजो। जितनी स्पीड दिखा देना जेल में उतनी 10% भी स्पीड दिखा दे, बचना नहीं चाहिए भाई। अरे हरियाणा वालों ध्यान कर लो, अगर जब तुम चुप बैठे रहे ना ये न्यूए करेंगे। एक खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगा रखा है छोरी ने, कोई छोटा मामला को ना, जिस तरह ही बताई है ना जिस तरीके से उसने, अकोर भी बहुत महिलाओं के खिलाड़ी और सारिया तक हूं मैं जिनके साथ साथ भी गलत होया है। अपनी आवाज उठाओ, अपने आप बोलो, और निष्पक्ष जांच, तुरंत निष्पक्ष जांच सीएम साहब तुरंत होनी चाहिए। न्यू नहीं, अच्छे महीने पांच से चला जाए, एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम है, तुरंत जांच करो। और इन तब सारे बताऊ हूं मैं, ये सारे कोच जाना है, खेल मंत्री के साथ सारे खिलाड़ी जाने हैं। इसने खेलना का नाश करना, खिलाड़ियों का नाश करना वो तो था, लेकिन ये छोरिया ने भी छेड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा, बता दिए या सरकार भी सुन लियो, सुन लियो इस बात ने। इब हम न्यू देखूंगा मैं कितनी तगादियत एक्शन होने लग रहा है। एक छोरी छेड़ पे आगले ने नहीं छेड़ रखी, झूठी है छोरी, छोरी पे कार्रवाई करो, और छोरी साची है तो तुरंत एक्शन लो, और इसने तुरंत जेल में भेजो, और तुरंत FIR होगा, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। और सारे भाइया सारे कोचा तर खिलाड़िया तर तक हूं अकुलटा नहीं हटना है, इसने गलत कर रखा है ना, छोटा ठालो और तैयार हो लो। जय हिंद जय बोलेगी।